हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अन्नू। आप देख रहे हैं अन्नू रेसिपीज। तो आज हम लोग बनाने जा रहे हैं इमरती। इमरती का डिजाइन बनाना बहुत ही मुश्किल होता है, तो इसको आज हम एक बहुत ही आसान ट्रिक से बनाएंगे। एक ऐसी है जिससे बहुत ही आसान तरीके से फटाफट से इमरती बनकर तैयार हो जाएगी और एकदम हलवाई जैसी ही हम बनाएंगे। ना ही हम इसमें अरारोट का यूज करेंगे, ना ही मैदा का यूज करेंगे, ना ही कॉर्नफ्लावर का। बहुत ही आसान तरीके से, तो शुरू करते हैं। तो इमरती बनाने के लिए मैंने 150 ग्राम उड़द की दाल को रात में भिगोने के लिए छोड़ दिया था और ये काफ़ी अच्छे से भीग चुकी है, ये देखिए। तो अब हमें इसको पीसना होगा। पीसना हमें एकदम बिल्कुल उसको बारीक पीसना है और बहुत ही कम पानी के साथ में। तो हमने इसका एकदम बारीक पेस्ट बना लिया है। बहुत ही कम पानी का मैंने यूज़ किया था, लगभग 4 से 5 बड़े चम्मच पानी का मैंने यूज़ किया था। एकदम चिकना पेस्ट बनाया है, ये देखिए। अब हमें इसको आधे घंटे के लिए फ्रिज में रखना होगा जिससे कि दाल एकदम अच्छे से ठंडी हो जाए। आधे घंटे के बाद में हमारा बैटर ठंडा होकर के तैयार हो गया है और अब हमें इसको बीट करना है। तो आप फोक की सहायता से या स्पून की सहायता से या मशीन से इसको फेंट लीजिए। मैंने दाल को अच्छे से फेंट लिया है, काफ़ी फूली फूली दिख रही है। और हम इसको हल्का सा टेस्ट भी कर लेते हैं। पानी में जब हम दाल के बैटर को डालेंगे तो वो दाल में पानी में ऊपर फ्लोट होना चाहिए, देखिए इस तरीके से, जो नहीं बैठना चाहिए, यानी कि हमारा बैटर तैयार है। अब हम इसमें थोड़ा सा फूड कलर ऐड कर रहे हैं, ये बिल्कुल ऑप्शनल है। अगर आपके पास ना हो तो आप बिल्कुल इसको स्किप कर दें। इसके बाद में अब हम चाशनी बनाकर तैयार करते हैं। तो मैंने लगभग 300 ग्राम यहाँ पर शुगर ली है और जितनी शुगर हमने ली है नाप करके उसका आधा पानी हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब पानी ऐड करने के बाद में मीडियम फ्लेम पर हम गैस को ऑन करके शुगर को मेल्ट होने देंगे। शुगर मेल्ट हो गई है और शुगर को मेल्ट होने के बाद में मीडियम फ्लेम पर हमें इसे 3 से 4 मिनट के लिए बॉईल करना है। टाइम आप सेट कर लीजिएगा। अच्छे से बॉईल हो चुका है, हम इसको ऑफ कर देते हैं गैस को। हमने अपने सारे बैटर को एक पाइपिंग बैग में फिल कर लिया है। आप दूध की थैली का यूज़ भी कर सकते हैं। अब हम यहाँ पर इमरती बनाना स्टार्ट करते हैं। तो हमने इस तरीके का एक झारा ले लिया है। झारा को हमें ऑयल में डिप करना है, फ्लेम को लो ही रखना है, ऑयल हमारा हल्का गर्म होना चाहिए। और ये देखिए इस तरीके से हम झारे के ऊपर डिज़ाइन बनाएंगे। झारा ऑयल में डूबा हुआ होना चाहिए, इसका आपको ध्यान रखना है, यानी कि थोड़ा सा ऑयल झारे के ऊपर भी आना चाहिए। और ये देखिए इस तरीके से हम इमरती को छोड़ देंगे। कितना खूबसूरत डिज़ाइन बना है, कितने आसान तरीके से। ये देखिए 2 सर्कल हम बनाएंगे पहले और उसके बाद में छोटे छोटे सर्कल्स उसके ऊपर बनाते जाएंगे। ये देखिए इस तरीके से बहुत ही आसानी से इमरती का डिज़ाइन इससे बन जाएगा। फिर से थोड़ा सा डुबोएंगे झारे को, 2 सर्कल्स बनाएंगे, फिर छोटे छोटे सर्कल्स उसके ऊपर बनाएंगे। और ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से कितनी खूबसूरत इमरती बनकर तैयार हो गई है, ये देखिए। हमें फ्लेम को लो टू मीडियम ही रखना है ताकि ये अच्छे से क्रिस्पी हो सके, क्योंकि हमने इसमें ना अरारोट का यूज़ किया है, ना ही कॉर्नफ्लावर का यूज़ किया है। प्योर उड़द की दाल की हमने यहाँ पर इमरती बनाकर तैयार की है, वो भी इतने खूबसूरत डिज़ाइन से। कोई इनको देखकर ये कह ही नहीं सकेगा कि ये आपने घर पर नहीं बनाई है, क्योंकि इनका डिज़ाइन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत बनेगा। अब अगर आप दाल जब इमरती बना रहे हैं और बैटर जब आप ऑयल में डालते हैं, अगर आपको ऐसा लगता है कि जो बैटर है वो फैल रहा है, इमरती ठीक से नहीं बन पा रही है या ज़्यादा फूल करके फूट रही है ऊपर से, तो आप इसमें उस टाइम पर 1 या 2 छोटे चम्मच जितना मैदा ऐड कर लें अगर ज़रूरत लगती है तो। मुझे बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लगी है। आप पानी का बहुत ही कम यूज़ करेंगे ना अगर दाल को पीसते टाइम, तो आपको बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी मैदा ऐड करने की। ये देखिए हम इस तरीके से इसको पलट देते हैं। मैंने एक स्क्वायर का यूज़ किया है, आप एक पलटे की सहायता से या झारे की सहायता से भी इसको पलट सकते हैं। हलवाई लोग इसी का यूज़ करते हैं। तो ये देखिए लो फ्लेम पर ही हम इनको फ्राई कर रहे हैं और ये अच्छे से फ्राई हो गई हैं। हमने चाशनी को एक बड़े प्याले में पोर कर लिया है जिससे कि ये हमारी इमरती हैं वो अच्छे से डिप हो सकें उसके अंदर। सारी इमरती हम इस तरीके से निकाल लेंगे और डायरेक्टली हम अपनी चाशनी में डिप करेंगे। चाशनी का आपको ध्यान रखना है कि जब आप इमरती इस पर डालेंगे तो वो ज़्यादा गर्म नहीं होनी चाहिए, हल्की सी ठंडी होनी चाहिए, क्योंकि अगर इमरती भी गर्म होंगी और चाशनी भी बहुत गर्म होगी तो फिर ये बिल्कुल मेल्ट सी हो जाएंगी, अच्छी सी नहीं बनेंगी। जैसे कि हमने चाशनी में डिप कर दिया, स्पून की सहायता से इनको अच्छे से प्रेस भी कर दिया है जैसे कि पूरी चाशनी इसमें अंदर तक फिल हो सके। ये देखिए इस तरीके से बाकी की इमरती भी हम बनाते हैं। तो कुछ इमरती मैं हाथ से भी बना रही हूँ, ये देखिए
ये देखिए इस तरीके से भी आप डिज़ाइन बना सकते हैं, बहुत ही आसानी से डिज़ाइन बन जाता है। अगर आपको दिक्कत आती है तो आप स्ट्रिक से भी बना सकते हैं, आपकी मर्जी है। ये देखिए कितनी आसानी से डिज़ाइन बन रहा है। और छोटी या बड़ी जैसी भी इमरती आपको पसंद हो ना, उस हिसाब से भी आप इनको बना सकते हैं। तो ये देखिए मैं इस तरीके से डिज़ाइन बना रही हूँ। तो ये देखिए इमरती कितनी खूबसूरत लग रही है। ये देखिए बनकर तैयार है हमारी बहुत ही टेस्टी इमरती, बहुत ही खूबसूरत भी लग रही है। उनको बनाना भी बहुत ही ज़्यादा आसान है, क्योंकि हमने बहुत ही आसान सी ट्रिक से इसको बनाया है और एकदम हलवाई स्टाइल है, बिल्कुल प्योर है। तो आप इस दिवाली पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। फिर से मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।